अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हां सां शेयर कयां थी हिन बॉटल खे डेकोरेट करण जो तरीक़ो। ये ग्लास बॉटल, ये शीशे की बोतल, आज मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और इससे पहले भी बहुत सारी मैंने ग्लास बॉटल्स और जार्स शेयर किए हुए हैं डेकोरेट करके। ठीक है, सो ये बोतल मान के धोई साफ़ कयो आहे। हिन जे मथां स्टिकर वग़ैरह अगरि कुझु बि लॻियल हुजे त लाहियो। हीउ हिकिड़ो स्टिकर जो पीस आहे जेको बिल्कुलु कंहिं सूरत में हिन तां नथो लहे। मैंने बहुत कोशिश कर ली, ये ज़रा सा इस पर रह गया है, बाकी स्टिकर्स मैंने इसके हटा दिए। इस पर हम सबसे पहले लगाएंगे जैसो। जैसो अवेलेबल है क्राफ्ट शॉप पे, ऑनलाइन आप तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसो ग्लास बॉटल जेला स्पेशली एकड़ी बेस सा, ठीक है, ये बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये मैं करना चाहूँगी कि कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ब्रश के बजाय इस पर स्पंज के एक पीस के साथ पेंट करें। वजह बता रही हूँ मैं आपको। हे ॾिसो, जैसो जो असां हिकिड़ो कोट हिन ते हणंदासीं त ही ब्रश जा स्ट्रोक्स हिन ते ठही था पवनि। ठीक है, ये ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं इस पे ये बन जाएंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा फिर, अच्छा नहीं लगेगा। इस पे दो कोट होंगे, हिन जे मथां असां डबल कोट कंदासीं। पर हमेशा उसूल इहो आहे त हिकिड़ो कोट बिल्कुल कंप्लीट ड्राई थी वञे त पोइ तव्हां ॿियो कोट हणो। ठीक है, एक कोट हम कर लेते हैं ब्रश के साथ, क्योंकि इसके बिल्कुल ही जो है मेरी बॉटल में जैसो ख़त्म होने वाला है, तो ये ब्रश से ही लगा सकती हूँ मैं, हाथ अंदर नहीं जाएगा। ये ड्राई करने के बाद दूसरा कोट जो इस पर मैं लगाऊंगी उसको हम लगाएंगे स्पंज के साथ। तो ये एक कोट मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सबसे पहले। ये ॾिसो, हिन खे चौधारी मां कंप्लीट कोट हणी छॾियो आहे जैसो जो। इसको मैंने चारों तरफ से लगा दिया है, जैसो अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब इसको हम करेंगे खुश्क, पंखा चला लेंगे तो ये एक घंटे में सूख जाएगा। ठीक है, सो ये एक कलाक में सुकी वेंदो। ऐं अगर असांजे फर्स्ट कोट में कोई खामियूं रहिजी वयूं आहिनि त उहे असांजी सेकेंड कोट में कवर थी वेंदी। ठीक है, तो इसको अभी मैं पंखा चला के छोड़ देती हूँ ड्राई होने के लिए। जो इसमें खामियां रह गई, जो निशान लाइनें नज़र आ रही, वो सेकेंड कोट में कवर हो जाएंगी। हिन जो पहिरियों कोट कंप्लीटली सुकी चुको आहे, एक कोट ड्राई हो चुका है इसका, जो मैंने जैसो लगाया था, और यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा खुद ही हट भी गया है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये दूसरे कोट में जो है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, एक कोट हमने लगाया ब्रश के साथ जैसो का, दूसरा कोट मैं इसके ऊपर लगाऊंगी स्पंज के साथ। इसमें से मैंने एक छोटा पीस काट लिया है और दूसरा कोट मैं इस पर लगाने वाली हूँ वाइट एक्रेलिक पेंट का। दूसरा जैसो का भी हो सकता है लेकिन पेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसो लगाना इसकी बेस के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा होता है कि ये पेंट जो है वो उतर जाता है। छो त स्लिपरी हिन जी सरफेस आहे, तिरकणी ॿाहिरां हिन जी सरफेस आहे, तंहिंजे करे इहो हिन तां लही बि सघे थो। सो असां हाणे हिन खे कंदासीं स्पंज सां पेंट। पेंट कढूं था हिन जे मथां असां, ये पेंट मैंने निकाल दिया है इसके ऊपर, और इसको इस तरह डैप करते करते हम लगा लेंगे, ताकि फिर ये जो इसकी लकीरें जो नज़र आ रही थी हमें, ब्रश के जो स्ट्रोक्स दिख रहे थे वो नहीं दिखेंगे, तो वो एक परफेक्टली ये इस पर पेंट हो जाएगा। पेंट मैंने ज़्यादा निकाल लिया है क्योंकि इसको मैं चारों तरफ से लगाऊंगी, जहाँ पे कम पड़ गया वहाँ पे हम दूसरा ले लेंगे। ठीक है, सो ये डैप करे करे असां हिन जे मथां इहो पूरो कवर करे वेंदासीं, हिकिड़ो पूरो कोट हिन वाइट एक्रेलिक पेंट जो। अच्छा, एक्रेलिक पेंट में पानी वगैरह कुछ नहीं डालना होता, वो जैसा भी होता है उसी तरह से उसको यूज़ करना होता है। वैसे ही वो अच्छा सा थिक पेंट होता है। हाँ, अगर पुराने पेंट हों सूख जाएँ तो आप उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला सकते हैं, वरना वैसे उसमें ज़रूरत नहीं होती कुछ भी मिलाने की। होते हैं ये वाटर बेस्ड, ठीक है, वाटर बेस्ड हूंदा आहिनि हे पेंट्स, एक्रेलिक पेंट्स, इन में कुझु बि मिलाइण जी पर ज़रूरत न हूंदी आहे। हा, सुकी वञे त पोइ तव्हां उन में थोरो घणो कुझु हिकु ॿ ड्रॉप एड करे सघो था। सो हिन सॼे खे करे वेंदमि मां पेंट। सो हे तक़रीबन कवर थी वियो। इहो हमेशा ख़्यालु रखो त बेस कोट कंप्लीटली ड्राई थी वञे त पोइ हुन जे मथां ॿियो कोट कयो। डबल कोट जब भी करना हो तो पहले वाला कोट जो है वो कंप्लीट ड्राई होना चाहिए, वरना अगर हम थोड़ा हल्का गीला भी होगा ना, उस पर गीले पे लगाएंगे तो ये नीचे वाला भी जो बेस का कोट होगा वो भी उतर जाएगा। इसको अच्छी तरह से, जहाँ कहीं से भी आपको लग रहा है कि थोड़ी सी बॉटल नज़र आ रही है
या कहीं से पेंट हल्का है, कहीं से नीचे वाला कोट जो था वो थोड़ा हल्का है, तो उसको आप कवर कर लें। तो है ना कि रखना से हाँ सुकड़ जिला है, इसको रख देती हूँ मैं सूखने के लिए। इसके साथ हम क्या करेंगे, जब तक ये हमारा दूसरा कोट सूख जाए, हे आए मोट अफ्रीकन आर्ट जो हिकड़ो प्रिंट, ये अफ्रीकन आर्ट का प्रिंट मैंने निकलवाया है। आपको इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन ऑनलाइन मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो इसकी आउटलाइन में कटिंग कर लूँगी। ठीक है, सो हिन प्रिंट के मुख्य हिन बॉटल ते हणणो आहे, बॉटल सुकंदी रहंदी तेसि ताईं मां हिन जी आउटलाइन कटिंग करे वठंदमि, त जीअं असांजे लाइ हे रेडी हुजे त असां हिन ते चिंबड़ाए सघूं। बॉटल असांजी प्रॉपरली ड्राई थी वई आहे, ठीक है। अगर आप बगैर पंखे के छोड़ देंगे तो बहुत टाइम लेगी, पंखा चला लेंगे तो एक दो घंटे बहुत होते हैं इसके लिए, ठीक है। सो यह ड्राई थी गई, पेपर जी मैं कटिंग कर चुकी हैं, ये पेपर की प्रॉपर कटिंग मैंने कर ली है। और जो इसके साथ ये छोटा सा प्रिंट था साइड में, इसका ओरिजिनल जो आउटलाइन वो भी मैंने संभाल के रखी है, किसी और प्रोजेक्ट में मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले हम इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे, पहले ऐसे रख के देखें कि आपको इसे कहाँ से कहाँ तक रखना है, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे ग्लू, वाइट ग्लू है मेरे पास। ये इस ग्लू की यह खूबी है कि ये सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है। बहुत अच्छी तरह से ग्लू हम इस पे लगाएंगे ब्रश के साथ, और जो छोटी छोटी इसकी डिटेल है, जैसे इसके हाथ हैं, बाल हैं, बास्केट है, उस पर हम बहुत अच्छी तरह से इसको ग्लू को फैला लेंगे। तो इसको अभी मैं ब्रश की मदद से फैला लेती हूँ, ये आप देखते जाएं साथ साथ, तो जो इसकी छोटी छोटी डिटेल्स हैं अच्छी तरह उनको कवर कर लें ग्लू के साथ, ताकि जब हम इसको चिपकाएं तो वो प्रॉपरली चिपक जाए, कहीं से रह ना जाए। रह भी गया तो मसला नहीं है, उसको आप उसी वक्त वहां पे थोड़ी सी ग्लू लगा के लगा सकते हैं, ठीक है। सो नहीं नंढी नंढी डिटेल जेके न हथ आहिनि, ख़ासि करे हथ वार आहिनि, त इन्हनि खे असांखे चङी तरह सां कवर करिणो आहे ग्लू सां। ऐं पहिरियों खां असां हिन बॉटल ते रखी ॾिठोसीं त केतिरे एरिया में केतिरी स्पेस ते असांखे हणणो आहे। सो बिल्कुलु बेस खां मां हिन खे हणां थी, बिल्कुलु बेस से मैं इसको चिपका रही हूं। ख़्याल रखना है कि इसमें कोई झोल न आए, कोई सिलवट न आए, गुंज न थे हिन में, ही प्रॉपरली सुठी तरह सां चिंबड़ी वञे। आउटलाइन मां हिन में छॾी आहे, क्योंकि इसको बॉटल को बाद में हमें पेंट करना है, तो इसकी वाइट आउटलाइन हमें छोड़ देनी है, ठीक है। हे ॾिसो, हे आराम सां हिन ते चिंबड़ी वई, हे कंप्लीट न आहे, हे इनकम्प्लीट आहे। ऐं मां अफ्रीकन आर्ट हिन ते हयो आहे, तव्हांजी मर्ज़ी आहे, तव्हांखे जेको कुझु पसंदि अचे तव्हां उहो आर्ट अप्लाई करे सघो था, कोई बि डिज़ाइन, कोई बि प्रिंट जेको तव्हांजो फेवरेट हुजे तव्हां हिन ते हणो। ऐं हाणे असां हिन जे मथां ग्लू हणंदासीं, ये देखिए ये ग्लू मैं इसके ऊपर निकाल रही हूँ, और पूरा हम इसको कोट कर लेंगे और फिर इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इस पर ये ग्लू मैंने डाल दी है, इसको ब्रश के साथ अच्छी तरह पूरा ये मोटिफ जो है, जो आपका डिज़ाइन है, उसको आप कवर कर लें ताकि ये प्रॉपर चिपक जाए। इसकी यही खूबी है कि सूखने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके ऊपर कुछ लगाया था, ठीक है। सो प्रॉपरली हिन खे कवर करे वञिणो आहे पूरे खे, ऐं पोइ असां हिन खे ड्राई करण लाइ छॾे ॾींदासीं। इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, ये काम बड़ी जल्दी हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान काम है, लेकिन टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसको बार बार हर कोट करने के बाद, हर स्टेप करने के बाद हमें ड्राई होने का टाइम देना पड़ता है, ठीक है। सुकाइण जो टाइम ॾियणु ज़रूरी आहे, न त त पोइ कमु न थींदो। कुझु बि अप्लाई करण खां पहिरियों, कोई बि हिन में नेक्स्ट स्टेप खणण खां पहिरियों हिन खे ड्राई करणु ज़रूरी आहे, न त पोइ हे कंप्लीट न थींदो। ईअं ग्लू जॾहिं कंप्लीटली ड्राई थी वई आहे, त उनखां पोइ मां हिन खे ब्लैक कलर जे एक्रेलिक पेंट सां साइड्स ते पेंट कयो। ग्लू ड्राई हो गई, उसके बाद ब्लैक पेंट के साथ, स्पंज के साथ मैंने इसको डैप करते हुए इस तरह थोड़ा शेडिड लुक दे दिया है, ब्लैक एंड वाइट का शेडिड लुक, ठीक है। सो इहो असांखे करिणो आहे हिन खां पोइ, हिन मरहले खां पोइ। अच्छा, हिन खे हिकु त कंप्लीट न आहे ब्लैक करिणो, पूरा ई इसको ब्लैक नहीं करेंगे, इसको शेडिड रहने देंगे, ब्लैक एंड वाइट शेडिड, ठीक है। उन खां पोइ असां हिन खे सुकणु ॾींदासीं, फिर एक दफ़ा ये मरहला है कि हम इसको खुश्क होने दें, और उसके बाद आगे हमें क्या करना है वो फिर हम इस पर कंटिन्यू करेंगे।
तो इसको अभी रखते हैं हम सूखने के लिए, लेकिन सुकण ॾींदासीं, टाइम ॾींदासीं, ऐं उनखां पोइ नेक्स्ट जेको बि असांजो स्टेप आहे उहो असां हिन ते कंदासीं। शेडिड जो हमने इस पे पेंट किया था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। ये ज़रूरी है कि जब भी हम कोई नया स्टेप शुरू करें तो पहला वाला जो है उसको खुश्क होना चाहिए, ठीक है। सो ही बिल्कुल सुकी वियो आहे, ड्राई थी वियो आहे। हाणे हिन ते कुझु मां डेकोरेट कंदमि, कुझु डिज़ाइन ठाहींदमि हिन जे अराउंड। ये जितनी पिक्चर है उसके अराउंड में कुछ कलरफुल डॉट्स बना रही हूँ, और डॉट्स बनाऊंगी मैं कॉटन बट के साथ। पेंट मैंने वही निकाला हुआ है इस पे, ये देखें चार मैंने शेड निकाले हैं और वाइट भी है मेरे पास। तो सबसे पहले तो ये डॉट्स मैं इस पे बनाऊंगी रैंडम, दूर दूर थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ के एक कलर कंप्लीट कर लूंगी, फिर दूसरा कलर, ठीक है। हे रैंडम मां हिन जे मथां ठाहींदमि डॉट्स परे परे छिड्रा हर छो त हिन में मूंखे सभई कलर पूरा करणा आहिनि। इसमें जितने भी मेरे पास कलर्स हैं, चार कलर मैंने इस वक्त निकाले हुए हैं, वो चारों कलर्स मुझे इसमें लगाने हैं। तो ये इतने इतने डिस्टेंस से मैं लगाऊंगी ताकि फिर इसके बीच बीच में सब आ जाए, ठीक है। सो अॻिते पोइते करे पर असांखे सभई हिन में डॉट्स जेके आहिनि कलर्स हणणा आहिनि। तो एक एक करके मैं हर कलर को कंप्लीट करती जाऊंगी। ही ॾिसो ही रैंडम डिस्टेंस, रैंडम कॉटन बट सां मां सॼा डॉट्स कढी वई आहियां। अब देखें कि इस ब्रश के साथ मैं वाइट पेंट के साथ जो ब्लैक इसका साइड है उस तरफ मैं छोटे छोटे वाइट डॉट्स बना लूं इस तरह से। जहां जहां पे ब्लैक है, क्योंकि जाहिर है वाइट पे हम नहीं बनाएंगे, वाइट पे ये नजर ही नहीं आएंगे, इसलिए वो मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल सना सना डॉट्स, बारीक बारीक वाइट डॉट्स ब्रश के साथ ये मैं बना लूंगी। इस पे वाइट डॉट्स कंप्लीट थी गया, इसके चारों तरफ मैंने वाइट कलर से वाइट पेंट से डॉट्स बना लिए हैं। और अब ये जो वाइट हिस्सा जो अंदर की तरफ है इस पे मैं थोड़े थोड़े से ब्लैक डॉट्स बनाऊंगी ये ब्लैक कलर के एक्रेलिक पेंट से। माशाल्लाह ब्लैक भी जेके हैं इनसाइड अंदर की तरफ से जो थोड़ा थोड़ा वाइट था उस पर भी मैंने ब्लैक डॉट्स लगा दिए। ये पैचेस मैंने छोड़ दिए वरना ये पूरा भर जाएगा और ये जो एक खातून का जो फिगर है वो सही नज़र नहीं आएगा, ठीक है। सो ही कंप्लीट है हिन महिल, पर अञा थोड़ी कमी आहे हिन जे ॻिचीअ में। इसकी गर्दन बिल्कुल खाली खाली लग रही क्योंकि लंबी और पतली गर्दन है, तो इस पे भी हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो अभी इसको हम कर लेते हैं डेकोरेट। हिन जी ॻिचीअ में ॿधण लाइ मां कुझु कलरफुल सुतलियूं यूज़ कंदमि। ये कलरफुल कुझु सुतली है मेरे पास जिसको मैं यूज़ करूंगी इसकी गर्दन में बांधने के लिए। कुछ कलर्स मैं ले लेती हूँ। अगर ना हो तो आप ऊन के साथ भी कर सकते हैं, ऊन बांध सकते हैं, ठीक है। का भी रंगीन डोरी, रंग रंग जी डोरियूं असां हिन जी ॻिचीअ में ॿधी सघूं था। तो ये थोड़े थोड़े से टुकड़े में इक्वल साइज़ में काट लेती हूँ इन सबसे, और फिर हम इसको इसमें बांध लेंगे, ठीक है। हे डोरियूं आहिनि मूं वटि, चार कलर मूंखे आहिनि, इन्हनि खे इक्वल पार्ट में मां कटे थी वठां। हिकु जेतिरो साइज़ कटींदमि ऐं पोइ असां इन्हनि खे ग्लू सां इन ते हणंदासीं, बोतल जी ॻिचीअ ते ॿधंदासीं। फाइनली मैंने पांच कलर्स ले लिए हैं, ठीक है। पंज रंग मूंखे आहिनि सुतलीअ जा, ॿ ग्रीन जा शेड आहिनि, हिकिड़ो रेड आहे, येलो आहे ऐं ऑरेंज आहे। मां हिन जी ॻिचीअ ते हणंदमि ग्लू ऐं असां पोइ इहा हिन जे मथां विड़ींदासीं। ग्लू लॻाइण के बाद ये बारी बारी सब कलर्स जो हैं वो मैं इसके ऊपर लिपेट लूंगी। ग्लू थोड़े नखरे दिखा रही है। माशाल्लाह फाइनली हिन जी ॻिची बि जेका है कवर थी वई। इसको भी मैंने कवर कर दिया है, और जैसा कि मैंने पांच पीसेस काटे थे पहले वो कम पड़ गए तो दो और मैंने लगा दिए, क्योंकि इसकी गर्दन लंबी थी तो पांच कम पड़ रहे थे, ठीक है। सो ही मुझे खूबसूरत हिकिड़ो आर्ट पीस तैयार आहे। एक बॉटल थी खाली जिसका कोई बाज़ार यूज़ नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें पानी डाल के मनी प्लांट डाल सकते थे। अब हम इसको कहीं भी अपने खूबसूरत बाकी चीज़ों के साथ, महंगी चीज़ों के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर ये मेरा आज का वीडियो, ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैंने एक अफ्रीकन आर्ट से इसको डेकोरेट किया है,
आप फूल पत्ते परिंदे कुछ भी लगा सकते हैं, अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, ही मां सिर्फ तव्हां सां आइडियाज थी शेयर कयां। आइडिया मुंहिंजा तव्हां जेकॾहिं क्रिएटिव माइंडेड आहियो त हिननि आइडियाज़ खे ॾिसी तव्हां पाण बि कुझु न कुझु क्रिएट करे वेंदो, कुझु नओं आइडिया तव्हांजे पंहिंजे ज़हन में ईंदो। सो ॿुधाइजो त हीअ तव्हांखे अॼु जी वीडियो कीअं लॻी, हीअ क्राफ्ट कीअं लॻो। सो ख़ुशि जो, आबाद जो, हमेशह चवंदी आहियां प्यार सां कमु कयो, पंहिंजी ॿोली सां प्यारु कयो। इनशाला वरी कंहिं ॿी कम जी वीडियो सां मिलंदासीं। तेसि ताईं अलावा ही।